जब संविधान को मानते हैं तो हम कहीं भी शादी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो और वो कौन होते हैं ये इसका फैसला करने वाले कि ये गलत है या ये सही है। ये मेरे पति को बस इसलिए मारा गया कि क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हम ऊपर हैं। ये मुझे बस अपने पति के लिए न्याय चाहिए, उनके साथ जिसने भी जो भी किया है मुझे उसके साथ वही चाहिए जो जो इनके साथ हुआ। क्या दीप्ति उनकी जान बच सकती थी अगर पहले पुलिस सुरक्षा देती? अगर पुलिस पहले हम लोग को प्रोटेक्शन दे देती तो मेरे पति के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो आज साथ होते सबके, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। आपने अपील की थी कहीं? मैंने खुद अपना एफिडेविट राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हर जगह खुद अपना एफिडेविट भेजा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपहरण नहीं हुआ है, मैं अपने पति के साथ आई हूँ। लेकिन तब भी पुलिस बस यही कहती थी कि आप लोग वापस आइए तब हम सुरक्षा देंगे। ऐसे हम नहीं सुरक्षा दे सकते हैं, पुलिस की लापरवाही, उन लोगों ने हमारी सुरक्षा नहीं की, पुलिस लाते रह गए, उन लोगों ने कुछ नहीं किया और आज उसी के चलते उन लोगों ने मेरे पति को दिन दहाड़े मार दिया, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सब है, उनकी पुलिस भी रहती है। वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ नेता और सब लोग इसमें मिले हुए, ऐसा कुछ लगता है? सब मिले हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद, सवर्ण समाज के हैं सब इसमें मिले हुए हैं, पूरा सवर्ण समाज मिला हुआ है। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे घर की बेटी अगर दूसरे कुल में शादी कर लेगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, कोई सम्मान नहीं देगा। क्या क्या मांग करती है कुलदीप? मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा, पूरा देश तुम्हें सुन रहा है, मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए, और जो नौकरी वो करते थे उनकी नौकरी चली गई तो मेरे घर भी एक नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो चले गए, उनके बाद इस घर को संभालेगा कौन, उनकी जगह तो चाहिए, और मेरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा की भी जरूरत है, उनको आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार है, वो कैसे चैन लेगा? न्याय, सबसे पहले तो मुझे इनके लिए न्याय चाहिए, जितने भी दोषी हैं उसमें सबके लिए फांसी होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस की जांच पे भरोसा है? पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, वो इस मामले को दबाना चाहती है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस फॉर्मेलिटी कर रही है कि हाँ मैंने गिरफ्तार किया, बस वो गिरफ्तारी दिखा रही है और कुछ नहीं कर रही है। देश की जनता से तुम क्या कहना चाहोगी? क्या इस जातिवाद को तुम अब ये समझ आया कि जातिवाद है? देश की जनता से आप यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम अब तो अपनी आँखें खोल ले कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद कुछ नहीं होती है, जातिवाद खत्म हो चुका है, अब तो इसको मानना छोड़ें, वो जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं अब तो समझे कि विधवा उनकी बेटी ही होती है, विधवा और कोई नहीं होगा, ऐसा करने से विधवा सिर्फ उनकी बेटी होगी, और उस बेटी का दर्द अगर वो देख सकते हैं तो वो जातिवाद को माने, अगर वही बेटी उनके कास्ट में शादी करती है तो क्या वो उसको भी विधवा देख लेंगे, उसका भी सिंदूर उजाड़ देंगे वो, जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक जात के नाम पर अपनी बेटी को विधवा बनाना कहाँ तक सही है, कि क्या वो ऐसे लोग इंसान है? ऐसे लोग इंसान भी नहीं है। इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? इस घटना में बहुत लोग शामिल हैं, जितने भी सवर्ण नेता है, पुलिस है, या जो भी सवर्ण है वो कहीं ना कहीं से इसलिए मिला हुआ है। सीबीआई जांच होनी चाहिए घटना की? बिल्कुल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आए मिलने? आज तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि वो चार जो आए थे वो थे कौन, 15 दिन हो गए लेकिन पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि वो कौन थे, क्यों आए, किसने भेजा, कहाँ से आए, पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई, या पुलिस जानती है वो कुछ करती नहीं है, पुलिस
उसको ये लगता है कि हम पागल है, अपने पति के मरने से हम सदमे में। हाँ सदमा है, मेरा जो सदमा है उसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पति नहीं है, मेरी दुनिया थे वो, मैंने अपनी दुनिया खो दी है। लेकिन इसको कोई नहीं समझ रहा है, सब बस ये कह रहा है जो ब्राह्मण की लड़की के साथ ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी लड़की इतनी प्यारी है तो उसको पानी रखो ना, घर में बिठा के रखो, मत करो उसकी शादी, मत करने दो उसको नौकरी। कितना दबाया जाएगा हमारे समाज में लड़कियों को। मैं एक क्वालिफाइड लड़की हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है, और मुझे ये भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी अपनी मर्जी से शादी कर सकूं। अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी कीमत मेरे पति को चुकानी पड़ी। मेरे पति की तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो बस शादी की थी बस, और कुछ नहीं। लेकिन उनको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि वो आज है ही नहीं, सबको छोड़ के चले गए।